नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। मध्य प्रदेश में प्रथम रैंक लाकर रायसेन की बेटी ने गौरव बढ़ाया। रायसेन की बेटी ने मध्य प्रदेश में MPPSC में डिप्टी कलेक्टर पद पर 1575 में से 942 अंक पाकर प्रथम स्थान पाया है। मध्यम परिवार में जन्मी अंकिता पाटकर ने आज अपने घर या परिवार का ही नहीं पूरे मध्य प्रदेश का नाम रोशन किया है। अंकित के पिता पोस्ट ऑफिस का काम करते हैं। भाई माता शिक्षिका पद से रिटायर हुई है। पांच बहनों और एक भाई में सबसे छोटी अंकित अपनी उपलब्धि का श्रेय अपने स्वजन परिवार एवं माता पिता को देती हैं। उनका चयन होने के बाद लगातार वह मीडिया से घिरी हुई है। वहीं मंत्री श्रीमती कृष्णा गौर एवं रायसेन कलेक्टर अरविंद दुबे ने उन्हें बधाई दी है। इंडिया न्यूज 28 के लिए ब्यूरो चीफ राकेश जैन की रिपोर्ट। सर, सुना होगा आपने कि कीचड़ में कमल खिलता है। हम आपको मिलवा रहे हैं एक ऐसी बच्ची से जिसने पूरे मध्य प्रदेश में टॉप किया है, वो भी डिप्टी कलेक्टर पद पे। हम आपको बताएं, एक साधारण परिवार में जन्मी हुई। हम मिलवाते हैं उनके माता और पिता से। उनके पिता एक पोस्ट ऑफिस में काम करते हैं, कलेक्शन करते हैं। उनकी माता जी अभी अभी टीचर पद से रिटायर हुई हैं। हम उनसे बात करेंगे और जो बच्ची अभी डिप्टी कलेक्टर बनी है उससे भी बात करेंगे। आइए हम आपको मिलवाते हैं। वहाँ से रिटायर हुई, करीबन 30 साल नौकरी की इन्होंने। नरवर गांव है पास में, यहाँ से रायसेन से। हम इनसे पूछना चाहेंगे आपकी और बहनें भी क्या नौकरी में हैं? जी सर। अच्छा, तो सर मेरी पांच बहनें हैं और सभी अभी शासकीय सेवा में हैं। उनको लिए आप और क्या करना चाहेंगी अपने परिवार के लिए? आगे जाके क्या करना चाहेंगी आप? तो क्या लगता है आपको कि क्या कर सकती हैं परिवार के लिए? परिवार ने आपके लिए बहुत संघर्ष किया है, आप क्या करेंगी? सर, अभी जिस तरीके से परिवार का नाम रोशन किया है, तो आशा करती हूँ कि यदि समाज में जो और मेरा जो समाज है, परिवार है, और अब जो समाज ही मेरा परिवार है, समाज के हर वर्ग के लिए मैं अच्छा कर सकूँ, उसी में परिवार के लिए भी कर सकूँ, और अपने छोटे भाई बहनों को और मार्गदर्शन दे सकूँ ताकि वो भी इस पद पर पहुँच सकें। तो अभी आपकी पोस्टिंग कहाँ हुई है? सर, अभी पोस्टिंग का नहीं आया है जी। अभी जस्ट रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है और कुछ दिन में नियुक्ति आदेश मिलेगा, उसके बाद ये डिसाइड होगा जी। आप जो रोज माहौल देख रहे हैं, आपके यहाँ रोज मीडिया का आना, फिर आपको नेताओं से मिलना और कलेक्टर साहब से मिलना, तो आपको ये लगता था कभी कि आपका जिंदगी में कभी कुछ ऐसा होगा? सर, अगेन की सपने में भी नहीं सोचा था कि यह सब होगा, और ये सब रिजल्ट जब से आया है उसके बाद एक लाइफ का एक नया ही पड़ाव शुरू हो गया है। परंतु सर, इसमें अच्छा लग रहा है क्योंकि मुझे इस बात से खुशी हो रही है कि मेरे सिलेक्ट होने से पूरे जिले को खुशी हो रही है और सब प्राउड फील कर रहे हैं, तो इस बात की खुशी मुझे हो रही है। लगातार व्यस्त रहेंगे, कभी मंत्री से मिलना, कभी कलेक्टर साहब से मिलना, और लगातार मीडिया का जमावड़ा रहा। आज हम इनके पास आए, बहुत अच्छा लगा कि एक मध्यम वर्ग की बेटी ने अच्छा स्थान पाया है। हम शुभकामनाएं देते हैं, पूरा जिला शुभकामनाएं दे रहा है, पूरा मध्य प्रदेश शुभकामनाएं दे रहा है, हमारी तरफ से भी शुभकामनाएं। मैं राकेश जैन। अच्छा, एक बात बताइए आपने मुझे कि आपने जो डिप्टी कलेक्टर बनी है उसके लिए आपने क्या क्या संघर्ष किया? सर, मैंने थोड़ी तैयारी की, मेहनत की, और उसी परिश्रम का परिणाम है। मैंने डेली स्टडी की, कभी करीब 10-12 आवर्स पढ़ाई की, और जो भी एग्ज़ाम का पैटर्न था, सिलेबस था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को समझा, और उनको कोशिश किया कि जब अगली तैयारी कर रही हूँ, जो भी तैयारी कर रही हूँ, वो क्वेश्चन मुझसे बन भी रहे हैं या नहीं, तो उनको एनालिसिस करते करते मैंने तैयारी की। क्या आपको उम्मीद थी कि आप इतनी अच्छी रेंज में आ पाएंगी? सर, ऐसी उम्मीद तो मैंने नहीं की थी, परंतु हाँ, मैं कोई एक पोस्ट का अनुमान जरूर लगा रही थी, पर डिप्टी कलेक्टर मिलेगा और रैंक वन मिलेगा, ये उम्मीद नहीं थी सर। इस संघर्ष में आपको सबसे ज्यादा किसने आपका साथ दिया, आपको किसको श्रेय देना चाहेंगी? सर, इसमें सभी का श्रेय है, मेरे परिवार जन का और मेरे रिलेटिव्स का, जो मेंटर्स और गुरु मुझे मिले। मेरे स्टाफ ने भी काफी सपोर्ट किया, क्योंकि पढ़ाई के लिए स्टाफ का सपोर्ट भी आवश्यक था, और फ्रेंड्स भी थे, उन्होंने मोटिवेट किया, सभी का श्रेय। कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि आपके पिताजी या माताजी ने आपके संघर्ष किया वो सही रहा? बिल्कुल सर, उनके संघर्ष का फल भी मुझे मिला है, क्योंकि पापा जी ने बहुत मेहनत से राज परिवहन निगम में भी बहुत लंबे अवर्स की ड्यूटी की, और उसके बाद VRS के बाद उन्होंने पोस्ट ऑफिस के लिए कलेक्शन किया, तो ओवरऑल रायसेन में उनके सब जगह खाते खुले हुए हैं, तो वो रोज घूम घूम कर मेहनत करते हैं। और मम्मी ने भी अभी उनके घुटनों में भी प्रॉब्लम हो गई थी, आईज में भी प्रॉब्लम हो गई थी, तो फिर उसके बाद भी उन्होंने नौकरी की और हम लोगों को पढ़ाया लिखाया, तो बहुत संघर्ष था उनका। अब हम मिलवाते हैं उनके पिताजी से।
आप ये बताइए आपको कैसा महसूस हो रहा है आपकी बच्ची डिप्टी कलेक्टर अब तक चयन हुआ है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत हर्ष हो रहा है। मेरी बच्ची जो डिप्टी कलेक्टर बन गई है, ये भविष्य में सोचा नहीं था कि इतनी ऊंचे पद पर पहुंच जाएगी, हम लोगों का इतना गौरव बढ़ा देगी।